देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतुविष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, अज्ञात कारणों से लगी आग, तीन झोपड़ी, घर का सारा सामान व भूसा जलकर राख। आपको बताते चलें, जनपद उधमसिंह नगर में तहसील खटीमा के सीमांत क्षेत्र गांव वन मोहल्ला सिसैया में रविवार को अपराह लगभग 4 बजे झोपड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गांव वन मोहल्ला के दीनानाथ पुत्र महाराज सपरिवार एक दिन पहले बरेली शादी में शरीक होने हुए गए थे कि रविवार को शाम 4 बजे अचानक अज्ञात कारणों से उनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पूरा घर धूं धूं करके जलने लगा। गांव वालों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। तब तक गृह स्वामी की तीन झोपड़ी, घर में रखा सारा सामान और भूसा जलकर राख हो गया। मौके पर आग बुझाने वाले ग्रामीणों का तांता लगा रहा। स्थानीय पुलिस SI प्रताप सिंह मेहरा ने भी टीम सहित मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड भी वही टीम मौके पर पहुंच गया। तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। खटीमा फायर ब्रिगेड प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड गाड़ी में टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। उन्होंने बताया कि गृह स्वामी के घर में रखा सारा सामान, तीन झोपड़ी और भूसा जलकर राख हो गया है। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। साढ़े चार बजे करीब 112 से जो है कॉल आई थी, जो हमारी फायर यूनिट जो है, मैं गाड़ी के मौके पर पहुंची, लेकिन हमारे मौके से पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने उस आग पर काबू पा लिया था। और वहां पर जो है झनकैया चौकी वाले फोर्स वाले भी थे, उसका जो है तीन झोपड़ियाँ थीं, जिसमें जो है उसका घरेलू सामान, भूसा और सारा सामान उसका जल चुका था, जल गया था। उसको था उसको उसका सामान बचाया और बाकी सामान बाकी जो है उसको बुझा बुझू के फिर हम वापस अपने फायर स्टेशन पर वापस आ गए। दीनदयाल नाम था उसका, दीनदयाल नाम था और उसकी जो झोपड़ी जली थी, तीन झोपड़ियाँ थी उसकी, दीनदयाल की मौके पर मौजूद था। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।